ये वोट बैंक तोड़ने के लिए आ रहे हैं, यानी कि वर्कर्स की एक चाल है, इनका फ्यूचर कुछ नहीं, तो आप इसके बारे में क्या कहें? यार वो जो अपने उमर साहब हैं वो बेसिकली अपने दिमाग का इलाज करवा लें, ये क्या पागलपंथी है? वो छोटे बच्चे की तरह जिसका कोई खिलौना ले लिया होता है वैसे रो रहे हैं, क्या उसी को रखे? महाराजा हरि सिंह के बाद अब हमने उसको देना है कि वो कत्ल भी करे, लोगों को मरवाए जैसे 2010 में मरवाया वालिद साहब के, उनके उनने 96 से 2002 तक मारा, 87 की चोरी की, दफा 370 का इरोजन किया, लेकिन नहीं, कोई और पार्टी नहीं होनी चाहिए, फिर कौन होना चाहिए? वही होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, उमर अब्दुल्ला इनोसेंट नहीं है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसको पता है कि कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जब किसी पर यह लेबल लगाई जाती है उसके खतरात इतने बढ़ते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यहां कुछ और नए लोग भी आए, वो दो दो पीएसओ लेकर घूमते हैं, बाप और बेटे के दोनों के बीच में 600-700 बंदा इनको सिक्योरिटी गार्ड कर रहा होता है, इनको इनकी फैमिली को। ये टोटल कोल्ड ब्लडेड व्हाइट कॉलर किलर्स बन गए हैं। कि कश्मीर में हुआ क्या है पिछले 30 साल से? किसी ने अपने बातों से लोगों को मरवा दिया है, किसी ने अपने लिखाई से लोगों को मरवा दिया है, बस यही एक रहेगा। कैसा, व्हाट डेमोक्रेसी इज ही टॉकिंग अबाउट? वो शाह फैसल साहब हैं, उनने नई पार्टी खोली है, पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शायद जा रहे थे, अगर वो वहां आते तो वो अल्लोला थे, अब अगर वो वहां नहीं आए तो इसलिए अब वो दिल्ली ने बनाई है, वो जाके अपने दिमाग का इलाज करवा दें।